Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों प्रकाश टारोका ट्रेडर का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार अभी आपने शंखनाथ सुना मेरे पास तो बहुत ही छोटा सा शंख है जिससे मैं रेगुलरली सुबह शाम पूजा के वक्त शंखनाद करता हूँ शंखनाथ का बहुत इम्पोर्टेंस है शंख उन चौदह रत्नों में से है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो चौदह रत्न निकले थे उसमें एक शंख आता है अब ऐसे तो अगर मैं बोलने जाऊंगा तो घंटा भर निकल जाएगा इतने फ़ायदे हैं शंख के या इतने काम आता है शंख बट कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं वो आप करेंगे तो आपको आप, आप शंखनाद रेगुलरली करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा सबसे पहले जो हेल्थ के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो ये है कि एक तो फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है इससे और दूसरा हार्ट की एक्सरसाइज होती है रेगुलर शंखनाद करने वालों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता है तो हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है और दूसरा शंखनाद जब हम करते हैं तो इसकी जो ध्वनि रहती है जहां तक पहुंचती है वहां तक की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो डिस्ट्रॉय होती है और हमारे जो गुप्त शत्रु होते हैं तो धीरे धीरे करके जो भी हमारे ऐसे हमारे हमारे बारे में वैमनस्य रखते हैं शत्रुता रखते हैं ऐसे लोग ऑटोमेटिकली हमसे दूर होते जाते हैं तो आप सभी से यही कहूंगा कि घर में शंख जरूर रखें शंखनाद सुबह शाम रेगुलरली करें कम से कम दिन में एक बार पूजा के समय शंखनाद जरूर करें शंख बजाना कोई बड़ी बात नहीं है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं आप इजीली सीख सकते हैं विद इन ए वीक आप सीख जाएंगे मैंने भी ऐसे ही किया है मेरा दस साल का बेटा मेरे से भी अच्छा शंख बजा लेता है उसने भी मेरा देख देख के सीख लिया तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने घर में शंख ज़रूर लाए और शंखनाद रेगुलरली जरूर करें हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है और घर की जो नेगेटिव एनर्जी से उनको भी दूर करने के लिए फ़ायदेमंद है थैंक यू